तो फर्स्ट अबे चॉकलेट नबा मु एटा डार्क चॉकलेट कंपाउंड नै छी आ एटा मु 80 ग्राम्स नै छी तो ताकु आमे एबे डबल बॉयलर रे मेल्ट करिबा तो मेल्ट कर सल्ला परे तापरे मु कोन करबी सेटा आपन मान को देखैबे तो एबे चॉकलेट मेल्ट हे जाई छी आ मु चॉकलेट माने आइसक्रीम बनेबा पई मु एमती छोटो छोटो पेपर रो कप नै छी आपन बॉटी के बडो साइज भी नै परिबे मो पाखरे जहा थिला मु सेटा रे बनौ छी तो ता देरे आमे ढाळीबा आ भल्लो की आमे गुटे कोट बनाई दबा तो चारि पटे आमे एमती घोरी घोरी ताको पूरा माने तळु ऊपर पर्यंत तार गुटे कोट बनाई दबा तापर एमिती आमे पूरा ता साइड रु भल्लो की जेमिती का तळु ऊपर पर्यंत भल्लो की गुटे कोट हे जीवो आ एक्स्ट्रा जा थिबो आमे ताको ए जगह को ढाळी दबा तो एबे मु पांचटी कप रे चॉकलेट कोटिंग करी नहीं ची तो ताकु आमे एबे नॉर्मल फ्रीज रे आमे ताकु 10 मिनट रखी दबा सेट हबा पाई मु एठी रिच रो व्हिप्ड क्रीम नहीं ची पूरा गोटे कप नहीं ची गोटे कप माने 250 ml आ पूरा ठंडा ठंडा देबे ताकु एठी भलो की परे मुठी नहीं 1/3 कप पाउडर सुगर नहीं माने नॉर्मल चीनी को ग्राइंडिंग कर दे 1/3 कप आदि ये मेजरमेंट रे अपन करिबे आइसक्रीम तो पूरा परफेक्ट आपन कर हम तापर आम बीट कर नब होगा आमर बेसी क्रीम टा आमर बेसी माने बीट करिबा दरकार नहीं तापर मुठी नॉर्मल क्षीर नहीं कंचा क्षीर देवेनि एटा मु पूरा थंडा माने गरम कर सल्ला परे फ्रिज रे रखी की पूरा थंडा क्षीर एठी मु देछि हाफ कप थंडा क्षीर तो ताकु भी आमे अटिके बीट कर नबा तापरे गोटे टेबल स्पून आमे वेनिला एसेंस दबा तापरे एठी मु नेइची आलमंड आउ काजू ताकु टिके क्रॉस करी नेइची तो ताकु आमे एबे ताधरे दे दबा आउ टिके रखी दबा परे यूज करिबा आमे ताकु तापरे पुनी आमे ताकु भल्लो की बीट करनबा सबु जिंस को एबे देखंतु आमर बढ़िया कि पूरा चॉकलेट सेट हो जाइछि तो ता देहरे आमे एबे ढाळीबा तापरे आमे एबे आस्ते आस्ते ताको ता देहरे ढाळीबा ऊपरे आमे ओटिके मुझे ड्राई फ्रूट्स रखी थी गुंड करके ओटिके दे दबा तापरे अल्युमिनियम फॉइल को मु छोटो छोटो काटिके नहीं नहींजे ता ऊपरे आमे अल्युमिनियम फॉइल को भल्लो की कवर कर देबा जेमती आइस आमर भितर को नजीबो सब सेमती आम गोटे गोटे कवर करदे आम मझे गोटे गोटे हल करदे आम तेहरे स्टिक लगेद
ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଡିଫ୍ରିଜର୍ରେ ରଖିଦେବି 8-12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ ଟିକିଏ ଆପଣ ହାଇ କରିଦେବେ, ତ ମୁଁ 8 ଘଣ୍ଟା ବା 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଇବି ଆମ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କେମିତି ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫଏଲ୍ କାଢ଼ି ନେଇଛି, ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଓଭର୍ ନାଇଟ୍ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ପେପର୍ କପ୍ ଯେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଟିକିଏ କଟ୍ କରିନେବା, କେୟାରଫୁଲି ତାକୁ କାଢ଼ିବା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ସେମିତି ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି କାଢ଼ିନେବି। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଥ୍ରୋ ଡବାରେ ବସେଇଥିଲି ଯେ, ସେଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ଆପଣ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ବି ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ତ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।